गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज सेवन। एक्सरसाइज सेवन में आपको यहाँ पे मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें हमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे मेजरमेंट दी हुई है, कैपेसिटी की मेजरमेंट है, लेंथ की मेजरमेंट है। यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15 मीटर 25 सेंटीमीटर में हमें 8 मीटर 65 सेंटीमीटर को प्लस करना है। तो इसके लिए पहले हम एक सवाल अरेंज करेंगे, एक सवाल बनाएंगे, फिर हम उसे ऐड करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 2 यूनिट्स हैं, मीटर एंड सेंटीमीटर। मीटर एंड सेंटीमीटर लिखेंगे हम। यहाँ पे एक लाइन का गैप छोड़ना है। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारा मीटर है 15 मीटर, तो हम मीटर के नीचे 15 लिखेंगे एंड सेंटीमीटर है 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर के नीचे 25 लिखेंगे। जो हमारी अदर मेजरमेंट है उसमें 8 मीटर 65 सेंटीमीटर है, तो मीटर के नीचे 8 एंड 25 के नीचे 65 लिखेंगे, क्योंकि 65 सेंटीमीटर है। अब हम इसे ऐड कर देंगे। 5 5 10 10 का 0 carry 1, 6 2 8 8 में 1 plus करेंगे 9, 8 5 13 13 का 3 carry 1, 1 में 1 plus करेंगे तो 2, तो आंसर आएगा इसका 23 meter 90 centimeter। आपको ऐड करने के बाद ऐसे लिखना भी है नीचे। बी क्वेश्चन में जो मेज़रमेंट है वो किलोग्राम एंड ग्राम है, तो आप जब सवाल बनाएंगे तो उसमें यूनिट किलोग्राम एंड ग्राम लिखेंगे। और जैसे अभी मैंने ए क्वेश्चन बताया था आपको कि पहले यूनिट लिखनी है, फिर यूनिट के नीचे जो मेज़रमेंट दी हुई है उसके नंबर्स अरेंज करने हैं और फिर आपको ऐड करना है। तो जिस क्वेश्चन में जो यूनिट दी हो उसी यूनिट का आप यूज़ करेंगे और एक ऐड का सवाल बनाकर उसे प्लस करेंगे। इस हेडिंग के आपको ई तक क्वेश्चन करने हैं। सेकेंड हेडिंग देखिए, सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है 32 किलोग्राम 100 ग्राम में से आपको 17 किलोग्राम 400 ग्राम को माइनस करना है। हम एक सवाल बनाएंगे माइनस का। पहले यूनिट लिखेंगे केजी एंड ग्राम, एक लाइन का गैप हम छोड़ेंगे यहाँ पे। अब केजी कितना है 32, तो यहाँ पे 32 लिखेंगे। ग्राम कितना है 100, तो 100 लिखेंगे। अदर जो मेज़रमेंट हमें दी हुई है उसमें 17 kg है, तो 17 यहाँ लिखेंगे एंड 400 ग्राम है, 400 यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे हमें माइनस करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100 ग्राम है और यहाँ पे 400 ग्राम है। 100 ग्राम में से 400 ग्राम माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 32 kg है, हम 32 kg में से 1 kg हम इधर प्लस कर देंगे एंड 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो यहाँ पे हमें तो ग्राम में प्लस करना है। लेना हमें 1 kg में है क्योंकि यहाँ पे kg की यूनिट दी हुई है, लेकिन जब हम प्लस करेंगे यहाँ पे तो हम 1000 प्लस करेंगे क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ से हमने 1 kg लिया तो यहाँ पे 31 kg बचा, और यहाँ से हमने जो 1 kg लिया तो वो यहाँ पे 1000 ग्राम प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 की जगह 1100 आ जाएगा। जब कभी भी छोटी मेज़रमेंट ऊपर हो और बड़ी मेज़रमेंट नीचे, तो आपको इसी तरीके से करना है। हर क्वेश्चन में यूनिट के अकॉर्डिंग होगा। अगर यहाँ पे मीटर एंड सेंटीमीटर होता तो यहाँ से तो 1 मीटर हम इधर लेके आते और यहाँ पे वो 100 सेंटीमीटर प्लस होता, लेकिन यहाँ पे किलोग्राम एंड ग्राम की बात हो रही है, तो हम यहाँ से 1 kg लेंगे और यहाँ पे 1000 ग्राम को प्लस करेंगे। अब हम माइनस करेंगे, तो अब हमें माइनस करना है जो हमारे पास ये न्यू मेज़रमेंट आई है उसके अकॉर्डिंग हम माइनस करेंगे, उसमें से ही हमें माइनस करना है। 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 आएगा 0 में से 0 माइनस करेंगे 0। अब 1 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ से हम कैरी लेंगे, यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11 में से 4 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है, 1 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ से हम बोरो लेंगे,
तो जैसे हमने यहाँ से बोरो लिया था कि यहाँ पे वन में से फोर माइनस नहीं हो सकता था, तो हमने यहाँ से बोरो लिया तो यहाँ पे इलेवन हो गए। इसी तरीके से वन में से सेवन माइनस नहीं होगा तो हम थ्री में से बोरो लेंगे तो यहाँ पे इलेवन हो जाएगा। इलेवन में से फोर माइनस करेंगे तो सेवन आएगा। अब थ्री में से हमने यहाँ बोरो लिया तो यहाँ पर टू बजा, टू में से वन माइनस करेंगे तो वन। तो इसका आंसर है 14 kg 700 ग्राम। अगर यहाँ पे बड़ी मेज़रमेंट ऊपर होती और छोटी मेज़रमेंट नीचे तो हमें बोरो लेने की ज़रूरत नहीं होती, वो सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता माइनस में। सेकंड हेडिंग में भी आपको ई तक क्वेश्चन करने हैं। ये एक्सरसाइज आपको मैथ्स के रजिस्टर में करनी है। पहले आपको हेडिंग लिखनी है, फिर क्वेश्चन लिखना है और फिर आपको सवाल बनाना है। ऐड है तो ऐड करना है, माइनस है तो माइनस करना है। थैंक यू।